ये तो परसेप्शन बनाया गया है ना, बीजेपी जीती रहेगी चुनाव जीतने के लिए। रत्नेश्वर जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि साम दर पेट सब आपको अपनाना पड़ता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए बड़े चालाकी से टिकट्स का ऐलान किया, जो आरोप उसके ऊपर लगते थे कि ठाकुरों की पार्टी है, ठाकुरों को संरक्षण देती है, उसमें कोताही बरती गई। लेकिन एमएलसी चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी हुई है, 33 लोगों की जो नाम आए हैं, उसमें आप देखें ना कि कितने ठाकुरों को टिकट दिया गया, उसके बाद ब्राह्मणों का नंबर आता है। तो अगरों की पार्टी है, और जिन जिन लोगों ने राशन के बदले उनको वोट दिया या बीजेपी के पास खड़े हो गए, उनको भी ये समझने की जरूरत है। कोई भी पार्टी तभी जीतती है जब उसके पास एक परसेप्शन सेट करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। बीजेपी ने क्या, लोगों ने क्या वोट दिया, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है कि हमने योगी क्यों नहीं, मोदी को देख के वोट दिया। पहली बात तो ये कि योगी तो ना तो एमएलसी के लिए उनका सीधा कोई कनेक्शन है, ना उत्तर प्रदेश की राजनीति वो मुखिया बनने वाले। तो ये एक बात है विनिता। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से गुंडई हमने पंचायत चुनाव में देखा और लगातार हम देखते आ रहे हैं, उस तरीके के गुंडई आरोप कल तक सपा के ऊपर लगते थे। सपा उस मामले में बदनाम थी, और नो डाउट सपा ने गुंडई की भी है, लेकिन अखिलेश के पहले की है। मुलायम सिंह और जिस तरीके से रामकृपाल और शिवपाल के दोस्त हैं जो अभी भी सपा के अंदर हैं, और इस तरीके की वारदात निकल के आती है। लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को एक लीडरशिप दी, मुझे लगता है उतना काफी नहीं है चुनाव जीतने के लिए। जो ही आपसे उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि उस तरीके से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए देखिए गुंडई करने की भी जरूरत नहीं है, मजबूती से बात रखने की जरूरत है। अगर किसी किसी राज्य में किसी अन्य पार्टी के द्वारा कोई बात होती है तो बीजेपी तुरंत चली जाती है चुनाव आयोग, बीजेपी तुरंत कोर्ट के रुख कर लेती है। सपा क्यों नहीं गई, कांग्रेस क्यों नहीं गई, आखिर चुप्पी का कारण क्या है? चुप्पी का कोई तो कारण होगा, कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो ऐसा पुराना फसाद होगा जिसके खुलने का डर है। तो बहुत सारे इस तरीके की बातें हैं विनीता, जो सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। और दूसरी बात कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक डेडिकेशन का अगर हम कहें कि अभाव है, बीजेपी के जैसा डेडिकेशन नहीं है। बीजेपी में लाख उनको एक बुरे तरीके से ट्रीट किया जाए, अध्यक्ष होने के नाते अमित शाह हो या नड्डा हो, पर्सनली ना मिलती हूँ, लेकिन संगठन का जो बैकिंग होता है वो आरएसएस बहुत मजबूती से करती है, और यही बीजेपी की स्ट्रेंथ है। उस तरीके के संगठनों के ऊपर सपा को या दूसरी पार्टियां हो, उनको काम करने की जरूरत है मजबूती से। बिना उस समीकरण को साधे वो कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती, ये है। सिंपल अगर एक लाइन में मैं आपको बात कहूं, जो मेरा एनालिसिस है, हो सकता है उससे तमाम लोग इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, अखिलेश यादव बीजेपी की बिछाई हुई पिच पर खेल रहे हैं। उसका कारण है कि आपका जो बेस है वो बेस छोड़कर आप राष्ट्रीय परिपेक्ष में राजनीति करने चले गए। अभी इलाहाबाद में आज 21 मार्च है, कल 20 मार्च को प्रशांत किशोर के जन्मदिन की बधाइयां देता हुआ एक पोस्टर लगाया गया, काफी बड़ा होर्डिंग लगाया गया, उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की फोटो लगी थी, इवन अखिलेश यादव की भी लगी थी। तो आप ये समझिए कि बीजेपी, जिस एक सूत्री बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, और उसके लिए उन्होंने तमाम तरीके की पिच सजाई, क्षेत्रीय दलों को उस पे लेके आए, और उसी पिच पर अखिलेश चल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश ने अपना बेस कमजोर कर लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना मैंडेट इतने टाइम के बाद वोटिंग परसेंटेज में हमने देखा अखिलेश यादव को, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी अच्छे वोटिंग परसेंटेज के बाद वो एग्रेशन आया है पार्टी के अंदर? ऐसे ठंडी राजनीति नहीं होती है, दंगा भी करना जरूरी नहीं है, ना गुंडागर्दी करने की जरूरत है, लेकिन प्रमुखता से। जयगम जी की एक बात थी कि आपको दमखम तो दिखाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि भाई आपके अंदर ये मादा है, आपके प्रत्याशी वहां पे पर्चा दाखिल नहीं कर पा रहे हैं और आप सफाई में जाके होली मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बीजेपी की जो पिच है वही तो आप चल रहे हैं। होली आपने मनाया, कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन रख लेते, पूर्वांचल में बनारस में, बनारस की ये दक्षिणी सीट में अनाउंस हो गया कि सपा जीत गई है, सर्टिफिकेट लेने किशन दीक्षित जा रहे थे, और उसके बाद रत्नेश जी बताएंगे मेरी बात का को मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, 3500 वोटों से वो जीते थे। उसके बाद लास्ट में आप याद करो श्वेता, हम लोग विनीता के साथ ही उस समय चर्चा चल शो में थे, हाँ शो में थे, जीत गए थे, जीत गए थे, और उसके बाद सूचना आती है कि 2 राउंड की वोटिंग है। तो आखिर वो क्या कार्यकर्ता वहां पे क्यों नहीं लड़े?
कार्यकर्ताओं में ये जोश क्यों नहीं था? ओम प्रकाश राजभर को आप ले आए और वही ओम प्रकाश राजभर जो है अमित शाह के साथ परसों मीटिंग कर रहे थे। नहीं, आप और मैं एक ही बात कह रहे हैं। 101 सीटें ऐसी थी जहां हालत नाजुक थी। अखिलेश ने ट्वीट किया था, उसके पहले मेरा ट्वीट आया था। सवाल ये है कि आखिर वो एग्रेशन, वो भरोसा आपके कार्यकर्ताओं के अंदर क्यों नहीं आया कि वो कहे कि रिकाउंटिंग में नजर रखे। आखिर गुंडई कब होती है? जब आप मौन समर्थन देते हैं। यही बनारस के अंदर जो MLC हैं, बनारस के तमाम लोग हैं, आप उनसे रश्मि एक नारा हुआ करता था, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। याद होगा यदि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विनीता आपको बता दूं कि इसी कहां दिखती है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। इसी बनारस के अंदर अगर आप, मैं बनारस में हूँ, बनारस की स्थिति को रोज देख रही हूँ, इसलिए मैं बनारस के बारे में ज्यादा बता सकती हूँ। इसी बनारस के अंदर अगर आपके साथ कोई कांड हो जाए, कोई घटना हो जाए और आप विपक्ष की तरफ देखेंगे ना, वो आपसे पूरी डिटेल लेंगे लेकिन कहेंगे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे MLC होने का, ऐसे विधायक होने का, ऐसे नेता होने का क्या फायदा जब आप किसी की आवाज नहीं उठा सकते? नेता तो जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है ना कि उनकी आवाज कोई उठाने वाला हो। अमिताभ जी जेल में रह के आए, कितनी बार आपने अखिलेश को बात करते हुए सुना कि अखिलेश उनके समर्थन में आए हैं, कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा है। हंगामा काटने का मतलब सिर्फ डंडा उठाना नहीं होता है। हम एक स्वस्थ परिचर्चा कर रहे हैं जो पार्टी के रिवाइवल के लिए जरूरी है। तमाम ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी भी घटना पे, मैं रहती हूँ ट्विटर पे, वो तुरंत पार्टी को टैग करते हैं, लेकिन पता है क्या होता है ठंडा वहां? अगर वही कोई मामला हो, BJP के IT सेल वाले उनको टैग करें या किसी ऐसे व्यक्ति को, वो तुरंत समाधान करते हैं। इसीलिए आज उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। करते वो कुछ नहीं है, वो करते कुछ भी नहीं है, लेकिन जनता को एक चाहिए होता है नेता जो उनके बीच में हो। और मुलायम सिंह यादव ने जो एक संगठन खड़ा किया था, छात्र राजनीति से आए थे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और आपके तमाम दूसरे नीतीश यादव भी, नीतीश कुमार भी उसी दौर के नेता रहे हैं। आपको याद है निर्भया, आपने भी कवर किया था, अजय जी ने भी देखा था, मैंने भी देखा था। क्या उस समय इस तरीके की बात थी? क्या कानून व्यवस्था और नियम यहाँ आज से इतर थे? नहीं, लेकिन फिर भी लोग आके खड़े होके वहां पे अपनी बात रखते थे। तो जो अजय जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप आजमगढ़ गए, कोई बात नहीं, अभी आपको अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री आप कभी नहीं बन पाएंगे, ये मैं लिख के दे देती हूँ आपको। प्रधानमंत्री बनने के लिए अभी आपको बहुत तपस्या करने की जरूरत है। पूरे भारत का आप चेहरा नहीं बन सकते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन आप अगर एक संगठन की मजबूती के साथ चले होते तो परिदृश्य बदल सकता था। उसके लिए गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है, सड़कों पे उतरने की जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।